नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अमित सिंह। और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक पहुंची। अभिषेक बनर्जी की आवाज की दीवार पर कालिक पोती गई है। ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी, दिल्ली में बंगला भवन चाणक्यपुरी की ओर पत्थर भी फेंके गए। अभिषेक के घर पर कुछ लोगों ने अचानक दीवार पे कालिक पोती। असल में ये मामला पूरा है, मैं आपको बता दूं कि कल जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दौरे पे थे, और जब वो अपने दौरे में जा रहे थे तो उनके काफिले पे कैवलकेट पे कई लोगों ने एक साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, इसलिए उनके शीशे टूटे और वो अपने ड्राइवर के साथ जख्मी हो गए, जबकि जेपी नड्डा की बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से उन्हें चोट नहीं आई है। इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है और पुलिस से कहा है कि इस मामले की जांच करे और दोषियों का पता लगाने की कोशिश करे। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर कालिक पोती जारी है। कुछ लोग हाथ में कालिक लिए नजर आ रहे हैं। उनके घर की दीवार के बाहर कालिक पोती जारी है, 3 से 4 लोग इसमें शामिल थे। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे एक व्यक्ति जो अपने हाथ में कालिक लिया है वो उनके बंगले 183 के बाहर दीवार को कालिक से पोतता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही काले झंडे दिखा रहे हैं। देखिए उसके साथ एक दो लोग और हैं और किसी के एक व्यक्ति के हाथ में पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।